क्या पहले से ही इस युवा को अपनी मौत का था आभास? जो शब्द एक दिन पहले शायरी में कहा था वह हकीकत में बदल गया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यह इत्तेफाक है जब अपने ही सोशल मीडिया साइट पर अपनी मौत का अलर्ट दिया गया हो। मामला रीवा का है। तो क्या इस युवा लड़के को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था? जो शब्द उसने एक दिन पहले शायरी में कहे थे वह हकीकत में बदल गया। शिवम ने एक दिन पहले अपने दोस्तों को मजाक में यह शायरी सुनाई और किसी ने इसका यह वीडियो फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बोल थे, कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे, और तुम्हारे बस में हो तो भूल जाना मुझे, क्योंकि तुमने बुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। अरे वाह वाह। शिवम पांडे नामक इस युवा की इतनी कम उम्र में इस तरह दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो जाना उसके चाहने वालों को सदमे में डाल गया। लेकिन उसकी कही गई शायरी वाला वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के कहे शब्द लोगों को अचंभित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के मनगमा क्षेत्र अंतर्गत पिपर गाँव के रहने वाला मृतक युवक शिवम पांडे सोनू बीते दिनों सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसके बाद संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा से मेडिकल कॉलेज जबलपुर के उपचार के दौरान शिवम की 24 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। अपने अच्छे स्वभाव और कुशल व्यक्तित्व के कारण शिवम सबका लाडला था। शिवम के परिवार में माता, दो भाई और एक बहन थी, जबकि पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। शिवम की मौत से समूचा गाँव क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। देखते हैं रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। कहते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे, और तुम्हारे बस में हो तो भूल जाना मुझे, क्योंकि तुमने बुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। अरे वाह वाह वाह।